Hey everyone, welcome back to my channel. This is Monica. तो आज का वीडियो बहुत इजी होने वाला है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैंने इस तरह का एक प्लाईवुड पार्ट ले लिया है, जिसे साफ करने के बाद अब मैं इस पे ब्लैक पेंट करूंगी. पेंट को ड्राई होने के बाद मुझे जो भी इस पे लिखना था उसको मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है. ड्रॉ करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो ट्रेसिंग पेपर ही नहीं है. फिर मुझे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया. मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ भी शेयर करूं. अब अगर मेरे पास ट्रेसिंग पेपर होता तो मैं उसको लगाती, फिर मैं इस पे ट्रेस करती, देन मैं अपना काम आगे बढ़ाती. पर मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है, तो अब मैंने पेपर को मास्किंग टेप की हेल्प से सिक्योर कर लिया है कि अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा. अब मैंने इस तरह की ढेर सारी फील ले ली है. अब सारी आउटलाइंस पे हमें इस फील को अच्छे से लगा देना है, पूरी आउटलाइंस पे जो जो है. जैसे मैंने यहाँ पे दो नाम लिए हैं, आप चाहो तो स्वीट होम या कोई भी अच्छा कोटेशन जो आप चाहते हो, जिसे आप ये गिफ्ट देना चाहते हो उनका नाम लिख सकते हो. मुझे तो ये गिफ्ट देने के पर्पस से बेस्ट आइडिया लगता है. और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए या क्राफ्ट में आपका हाथ साफ होना चाहिए. आपने इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं ट्राई की, तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं. तो पूरी आउटलाइंस पे कील लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा. फिर मैंने अब इस पेपर को रिमूव कर दिया है. अब हम इसमें अपने थ्रेड को लपेटना स्टार्ट करेंगे. पहले पार्ट में नॉट लगा लेने के बाद हमें इस तरह से इसकी पूरी आउटलाइंस को कवर कर लेना है. पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ इसकी आउटलाइंस को कवर करूंगी और अपने इस आर्ट वर्क को कंप्लीट करूंगी, पर जब मैंने ये कंप्लीट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, इसे पूरा कवर करना चाहिए. देन मैंने सबको पूरा पूरा कवर किया है. और कवर हमें इसी तरह से करना, हमें जिगजैग लाइंस में लपेटते जाना है. मैंने डिफरेंट शेड्स लिए हैं. मेरे पास बहुत सारे पुराने वूल्स पड़े हुए थे, इनका बहुत ही कम यूज हुआ है, कुछ DIYs में इसका यूज हुआ है, वरना ये रखे ही रहते हैं. देखिए, इस पर मैंने पूरा लपेट दिया है. लपेट लेने के बाद इसके बैकग्राउंड में व्हाइट मार्कर की हेल्प से कुछ प्यारे प्यारे से कोटेशंस को ऐड कर रही हूँ. आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी आप वो ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर क्या लिखना चाहते हो. पूरी तरह से लगा लेने के बाद अब ये हमारा आर्ट पीस बनके रेडी हो गया है. पर अब इसे हैंग करने के लिए कुछ था नहीं, तो याद आया मेरी पुरानी पेंटिंग में इस तरह का फुट था, तो मैंने उसे लिया है और मैं इस पर लगा रही हूँ.
अब ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसे किसे गिफ्ट करना चाहते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।